कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, और जो तुझे बताना है बता रहे, चलो नाम भी ले दे, नाम मत लेना बस। सो आज अपन लोग कर रहे हैं क्यू एंड ए वीडियो अपनी दीदी के साथ कर रहे हैं, तो ये मेरे सब सवालों के जवाब सच में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कड़वा सच है मेरे सवालों के पीछे। आप लोग बोलते हो ना विकास भैया झूठ बोलते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है आप बताते नहीं हो, तो आज सब सच बता देगा। मैंने तेरे को खुद बताया, बिल्कुल सही बताऊंगी, सोच ले ठीक है, सब सच बता देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच सच बताएगी क्या? सच बताऊंगी, चल ठीक है भाई, कसम से मैंने कुछ नहीं बताया उसको, ये सच में सच बताने वाली है, और अगर रिवील होगी तो हमारे प्लान है, हाँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताने वाली है। अब मेरी पोल खोलने वाली है, ठीक है बता दे। और पहला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर जीत ने, भाई शादी कब कर रहे हो? थोड़ा बारात में डांस करना है, तो उसके कुछ आंसर है तेरे पास, शादी कब कर रहा हो? इसको करने कुछ बनना होगा और यूट्यूब से कुछ बड़ा कुछ करना होगा, हाँ। तब इसकी शादी फाइन, मतलब मेरे को सक्सेसफुल होना पड़ेगा लाइफ में, तब जाके मेरी शादी होगी और वरना नहीं होगी, तो सोच रहे हो मतलब नहीं तो कुवारा रहूंगा। सो अभी दूसरा क्वेश्चन है जिसकी वो मैं ही बता देता हूँ, इन्होंने पूछा और उसने के सक्सेस स्टोरी ऑफ योर, मतलब मेरे सक्सेस स्टोरी पूछ रहे हैं, तभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ ना, तो कोई सक्सेस स्टोरी भी नहीं होगी, है ना, सीधी बात है, तो सक्सेसफुल हो जाऊँ ऐसे क्या, ऐसे क्या बैठी तो क्या करूँ, चल ठीक है, हाँ तो सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ तो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है मेरी कोई भी, यहाँ तक की स्टोरी अगर सुनना चाहो तो 100K पे सुनाऊंगा, हाँ। तो ये पूछा है यूपी का लड़का यूनिवर्स ने कि आपकी लाइफ में आपने सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है, प्लीज आंसर मी, तो मैं वाह मैंने वाइफ बाइक मैंने अपनी बाइक सबसे महंगी है जब खरीदने की चीज होती, हाँ वो भी शादी ब्याह में खर्चा करना पड़ जाता ना, तगड़ा वाला तो खरीदना ही हो जाता, आजकल तो वैसे भी दहेज लेना देना चलता रहता है गाँव में, तो बिजनेस है वो भी एक तरह का, तो हाँ मैंने सबसे महंगी अपनी लाइफ में अपनी बाइक खरीदी है, और उसके बाद मेरी थोड़ी बहुत एसेसरीज में आ जाती है, कैमरा वगैरह जो कि बहुत महंगे होते हैं। एंड हाँ ये थोड़े उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, कॉमेडी किंग बादशाह, यार विकास भाई क्वेश्चन पिक नहीं करते हो क्या, पूछे फिर भी ओनली टू क्वेश्चन, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, भाई 6 मंथ रहोगे मम्मी पापा की याद नहीं आएगी क्या? चलो तू बता, बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब इन सबको लगता है कि मेरे को याद नहीं आती, मेरी कलेजी पे हाथ रख के देख रही, क्या रख के देख रही, मुझे बताया बिल्कुल नहीं आएगी, मेरे को बहुत याद आती है अंदर ही अंदर से, पर मैं किसी को बताता नहीं, यार हम लड़के हैं यार, समझ रहे हो आप, किसी को नहीं बताना होता मैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है पूछा, आप 6 मंथ में कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज करना का टारगेट है, मतलब मैं कितना टारगेट रखूँ इतने सब्सक्राइबर हो जाए 6 महीने इस चैलेंज पे, पता कम से कम 1.5 लाख होने से, इतना चिन्नी सोच है उसकी, 1.5 लाख जितने अभी तक बोल रहे हैं उसके हिसाब से 1.5 लाख तो बहुत है, अच्छा जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही उस हिसाब से 1.5 लाख, हाँ वो बहुत, तो 1 लाख नहीं बहुत हो जाएंगे, एक दो साल में तुमने 1 लाख नहीं कर पाए, तो उसके हिसाब से तो 1.5 साल ही बहुत है, हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता, बिल्कुल सही, मुंह पे बेइज्जती होगी जी, कोई बात नहीं हो जाएगा, मेरा वैसे मिलियन करने का परवाह तब तो है, मेरा वैसे मिलियन करने का था, आप लोग सब करवा दो ठीक है, अभी जाके लाइक करो दो वीडियो को, कमेंट भी कर देना, जो पूछना पूछ लो। एंड ये पूछा है रोल फ्रूट कटिंग ने, भाई आपने शॉर्ट मूवी बनाना बंद क्यों कर दी, बता, क्योंकि उसके दोस्त चले गए, मतलब अभी साथ में टीम वाले नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा आप अकेले तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, मैं भी हीरोइन बन जाऊँ हे विकास करके, तो अकेले तो कुछ नहीं होगा ना, तो टीम की जरूरत है, और फिर ऐसा भी है कि ये बोली नई टीम बना दे तो मेरे को कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाता है, लोगों के साथ एक एक साल लग जाती है, तो मैं नई टीम नहीं बनाना चाहता, लेकिन जितना करो शॉर्ट फिल्म जल्दी आने वाली है, और झूठ मत बोलना, अबे झूठ नहीं बोल रहा मैं, अभी या तो 2 महीने बाद या कभी भी चालू करने वाला हूँ, और तगड़ा वाला कुछ चालू करने वाला हूँ, लेकिन वो अपने इसी ब्लॉग चैनल पर करूँगा, किसी और चैनल पर नहीं, अगर वो फिल्म वाला चैनल है उस पर शायद मैं, दीदी बोली थी कोरियोग्राफी का, तो ट्राई कर सकता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि तू शॉर्ट मतलब ये वाली फिल्म वाली जो वीडियो है उसको उसका पार्ट दूसरा पार्ट डाल, हाँ तो वो भी देखेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 50% कंफर्म है कि मैं भाई लाइफ में बड़ा कुछ करना है तो करना पड़ेगा। अब पूछा है राइडर आकाश ने, ब्लॉग करते टाइम माइंड में क्या चलता रहता है आपके, एंड इतना अच्छा एक्टिंग कैसे कर लेते हो भाई, दीदी बता, मैं तो तेरा दिमाग है, मुझे कैसे पता वो, नहीं हाँ तो थोड़ी वो तारीफ कर सकती ना कि मैं इतना अच्छा ब्लॉग कैसे डाल लेता हूँ, ठीक है मतलब कुछ तारीफ के लायक नहीं हूँ मैं, समझ गया, एक ही तारीफ के लायक एक चीज है बस, इसका बोलने का तरीका, हाँ यही सबसे अच्छा है, और शायद फेस तो इसका अच्छा है नहीं, गजब बेइज्जती है।
ठीक है कुछ नहीं हो, मेरा फेस अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, मैं कैमरा बहुत अच्छे से फेस कर लेता हूँ, मैं कैमरा फ्रेंडली इंसान, मेरे को डर नहीं लगता कैमरा से, जो बोलना है मुंह पे बोल देता हूँ। हाँ तो मेरे को इतना, मैं थोड़ा बोलो तो बच्चा दिमाग इंसान बोल सकती हूँ, मेरे को जो कैमरे से डरता नहीं है, वैसे मैं बहुत मैच्योर हूँ, दिमाग है मेरे अंदर बहुत कूट फूट के भरा है। दीपक आ रहे ब्लॉग्स, यो थारा भाई लव फ्रॉम यूपी। थारा भाई जोगिंदर राजस्थानी यूपी, नहीं नहीं ये थारा भाई वो जोगिंदर था नहीं, तेरे को नहीं पता है, अनपढ़ है, चल छोड़। सो मेरा क्वेश्चन है कि बेस्ट ब्लॉग बनाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक बार मेरे ब्लॉग चेकआउट जरूर करना, थैंक यू। क्या इम्पोर्टेंट है बेस्ट ब्लॉग बनाने के लिए? एक इसके जैसी बहन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितने कंटेंट जबरदस्ती इसने बैठा दे रखा है, क्यों उठा के रखा पूछना, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं, बहन भाई की वीडियोस बहुत चलती हैं उसमें, अब मेरे को लग रहा है ये वाली भी चल जाएगी मेरी तो मजा आ जाएगा, निकल बड़ी निकल पड़े अभी ठीक है। विकास भाई आप इतने चॉकलेटी क्यों हो, क्यों है भाई, क्या डिवाइस अपग्रेड करने से? पहले वाले सवाल का जवाब दे दिया, कौन सा वाले का? जो भी बोला था। हाँ इम्पोर्टेंट क्या है, अरे हाँ ये तो दिया ही नहीं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लॉग अगर आपको करना है तो आप कैमरा फ्रेंडली हो जाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा के सामने थोड़ा झिझकते हैं, जिससे उनका बोलने का जो स्टाइल है वो बाहर नहीं आ पाता, और हमेशा ट्राई करो कुछ यूनिक करने का। इसके लिए सबसे ज़्यादा अपने आईने के सामने देख, और आईने के सामने बोलो, मत सुनो इसकी, इसको कुछ नहीं आता, सही बोल रही है, ये पुरानी ट्रिक है, मेरी बात सुनो, अगर आप यही तो काम आती है, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट करना है सिर्फ कैमरा फ्रेंडली होना, तो विकास करोड़िया के ब्लॉग्स देख रहे हो डेली, अबे साले। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास भाई आप इतने चॉकलेटी क्यों, चॉकलेटी का मतलब जानती है, मतलब अगर सीधा सीधा बोलूं चॉकलेटी कलर, चॉकलेटी मतलब, चॉकलेटी मतलब एक तरह से हैंडपंप मीठा और कड़वा। हाँ ठीक है चल छोड़ इसका, मैं हूँ भाई, मैं अपने आप ये रहने तो भाई, क्या डिवाइस अपग्रेड करने से व्यू इंक्रीज होते? देखो डिवाइस ऐसा कि मेरे पास कैमरा भी कैनन का 50,000 का, मैं भी जाता हूँ 2.5 लाख का कैमरा, यहाँ पर सोनी का लगाओ, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए, अगर आपके पास कम पैसा तो कम में भी बहुत अच्छे आते हैं, उनसे आप कर सकते हो अगर आपके दिमाग क्रिएटिव है, वरना भाई अब वो भी बात है कि 2 लाख के कैमरे से जो क्वालिटी आती है वो उससे नहीं आती, लेकिन क्वालिटी से पहले खुद को सही करना जरूरी है, खुद को पहले काबिल बनाओ, फिर कैमरा वैमरा डिवाइस वगैरह के साथ अपग्रेड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश Q&A, भाई सबसे क्या अच्छा लगता है और इतने खुश कैसे रहते हो भाई, लव फ्रॉम ओडिशा। सबसे अच्छा मुझे लगता है सबसे मन की करना, हाँ अपने मन की करना, मन की करना, लेकिन कर कभी नहीं पाता, क्योंकि क्यों करता है, क्या करता है, हमेशा अपने मन की तो कर रहा है। हाँ ठीक है, हमेशा अपने मन की करने की पूरी कोशिश कर लेता हूँ मैं, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर कर ही लेता हूँ, कर ही लेता है, ये लोग कितना भी रोके मेरे को अपने मन की करने में बहुत मजा आता है, मैं भी आपसे बोलूंगा मन की करो, किसी की मत सुनो, सब बाहर में जाए। हाँ तो ये सबसे बढ़िया है, और इतना खुश कैसे रह लेते हो, देखो खुश ऐसे अब मन के करी रहा तो खुश तो रहूँगा ही ना, किसी का ऊपर से प्रेशर होगा तो खुश नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे अंदर देखोगे तो जख्म है मेरे दिल में, दुख ही दुख है दोस्तों, ठीक बहुत। हाँ तो ये पूछा है द युग टॉप ने क्वालिफिकेशंस, रहना मत पूछो बेइज्जती हो जाएगी फालतू में, कुछ क्वालिफिकेशन ना है मेरी पढ़ने लिखने में जीरो हूँ, हर चीज़ में जीरो हूँ, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 7/4/2004, अभी मेरे 7 अप्रैल को बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट भेजनी हो तो भेज देना, एड्रेस बता दो। मंथली अराउंड 10,000 और यूट्यूब चूज एनीवन, अगर भाई मैं चुनता हूँ जो 10,000 चुनूंगा, 10,000 तो मैं एक स्पॉन्सर तक कमा लेता हूँ, तो अभी इसी बात यूट्यूब चुनूंगा ना। हाँ ड्रोन या कोई एसेसरीज लेने का प्लान है, बताए ड्रोन लेके? अभी तो औकात से बाहर है, पैसे नहीं है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि दीदी और जिया की इनकम आए तो 1 लाख रुपये मार लूँगा ऐसे वैसे करके, पर इनका अकाउंट का पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा मेरे को। हाँ क्वेश्चन ये पूछा है टुडे ईरा ने क्वेश्चन, एक पहला नंबर क्वेश्चन, तुम खाना कहाँ से खाते हो? घर से। मैं खाना अपने रूम पे बनाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे दीदी बनाना भी नहीं आता इसको, मैं लेके सब कुछ आया था, सिलेंडर वगैरह सब कुछ लेके आया था, बट मैं रूम पे अपने इतना रहता भी नहीं, मैंने रूम पता नहीं क्यों ले लिया, टेक चलने के लिए क्या है, चार दिन हुए मैं इसके ही पड़ा हुआ हूँ, रहता यही है, मजा आता है अकेले रहने में, अच्छा लगता है, टेक चलने के लिए लिया, उसके 1-2 दिन में वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, अभी थोड़ा नींद में हूँ आजकल। और सेकंड क्वेश्चन है ब्लॉग को किस मशीन में रिकॉर्ड करते हो? वो गेहूं कतरने की मशीन आती है ना उस और अब देखो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, और अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तो वो मैं नहीं बताने वाला,
और जो तुझे बताना है बता रहे चल। वो मैं बताऊं? हाँ सच बताना, जो कुछ मुझे बताना, जैसे तेरे को अच्छा लगे बता दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नाम भी ले दे। नाम मत लेना बस। नाम मैं कह रही हूँ नाम भी ले दूँ तो इसका मतलब है कि है कोई तो है इसके मन में और दिल और दिमाग में, सबको पता है। ठीक है पर मैं नाम नहीं बताऊंगी। नाम नहीं बता रहे क्योंकि अब देखो इतना खाती है कि अब भाई आजकल हर किसी की होती है ज़्यादातर, और मेरी भी है और फैमिली वालों को भी पता है। मैंने आप लोगों को इससे झूठ बोला आज तक मैं नहीं बताना चाहता था भाई, प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट रहे वो हमेशा अच्छा है, उनको ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन ठीक है आप लोगों को कन्फर्म कर दिया मैंने। डरता है ये किस चीज़ से, किस चीज़ से डरता हूँ? लड़की ने मना किया होगा कि बताना मत मुझे। लड़की क्यों मना करेगी भाई, लड़की अगर तू वीडियो देख रही तो क्यों मना करेगी, बता जरा। नहीं देख रही वीडियो, ठीक। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी इनकम, तो मेरी इनकम तो अभी खर्चा भी नहीं निकलना ना ईएमआई के लिए भी, इस महीने की ईएमआई जो है वो नहीं भरी मैंने क्योंकि पैसे ही नहीं है मेरे पास। इससे बोल रहा हूँ भर दे तो ये देखते हैं भरती या नहीं भरती, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं अपलोड किए थे, ये तो रोज़ गालियाँ देती थी फ़ोन कर करके कि ब्लॉग बना। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो अक्सर डेली कर रहा हूँ, तो अभी इनकम आना शुरू हो जाएगी अच्छे से। मेरी इस महीने इनकम नहीं आई है तो दिक्कत हो गई है, इसीलिए थोड़ा पेमेंट तो अभी इतना है कि आ भी रहा है, कभी महीना नहीं आता कभी महीने आ जाता है। और कुछ कहना चाहेगी? हाँ क्या बोल? जो ब्यूटी देखने वाले हैं क्या बोलते हैं ऑडियंस? हाँ जान से प्यारे जिगर के छले गौरव जो मन गया, इनकी भी थोड़ी सी कमी है। हाँ। इनको मतलब लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? क्या देख लो पूरी वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसे इसकी तरक्की हो जाएगी। हाँ देखो यार वो सही है, अगर आपकी एक लाइक और एक कमेंट से किसी का घर पे खुशियाँ आती है किसी घर पे, तो भाई कर देना चाहिए। मैं तो कर देता हूँ कसम से, मैं तो नहीं ऐसे नहीं सोचता कि नहीं करना, क्या भाई लाइक कौन नहीं का कौन सा पैसे लग रहा है, लाइक कर दो चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देख लिया ना। हाँ तो वेरी गुड, अभी तक यहाँ आए हो तो पूरे देख लिया होगा, तो कमेंट भी कर देना आपका कोई भी क्वेश्चन बचा हो तो। और मेरे को लग रहा है वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई क्या रेखा? हाँ बन तो गई बड़ी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं चल जाएगी। तो तब तक लिए बाय बाय टाटा और खत्म। एक तारीख में मेरे को बोलना चाहेगी? बिल्कुल मक्का है। और क्या 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 खाता हूँ मैं, क्या खाता हूँ? गोबर खाता हूँ, देख रहे हो। ये भी गोबर खाती मेरे साथ में बैठ के, हम दोनों खाते चम्मच में गोबर लेके। वाह कसम ये वीडियो को देख रहा होगा, बोलना होगा ये लोगों को दबा किसका बात। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गोबर बढ़िया है और गोबर की जगह कभी कभी कुछ और भी खा लेते हैं। एक चीज की बहुत बुरी आदत है, क्या? जिद्दी और गुस्सा आने। मैं गुस्सा इतना जल्दी नहीं होता, बस थोड़ा क्या देखना कभी आप लोगों से गुस्सा ना हो जाए, मेरा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो टाटा बाय बाय खत्म, मेरी बुरी आदतों पे ध्यान मत देना, मैं थोड़ा गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ क्योंकि मैं अपने मन की करता हूँ और ये भी बड़ी बेकार है। बाय बाय टाटा खत्म, बाय 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 बाय।